ये ठाकुर जी की अनंत कृपा है हम सबके ऊपर कि हम अपनी परंपराओं का निर्वहन और भारतीय संस्कृति को साथ में लेकर चलने का कार्य कर रहे हैं। ये मेरा परम सौभाग्य है कि भटनी नगर बस्ती के सभी व्यापारी बंधुओं एवं जितने भी भक्त और जितनी भी माताएं बहने हैं उन सबका प्रेम और स्नेह है और ठाकुर जी की अनंत कृपा के साथ साथ माँ जगत जननी जलपा माता मैया का भी बड़ा मेरे ऊपर कृपा है कि हर वर्ष यहाँ की समिति मुझे आमंत्रित करती है। मीडिया से बात करते हुए आचार्य जी ने बताया कि देवराहा बाबा तपोस्थली भूमि देवरिया जहाँ बाबा ने अपने स्थान को बनाया वहां पर भी भागवत जी के पाठ पारायण का हमने वाचन किया। ये वहीं से पोषित पल्लवित आज वहां के कल्प वृक्ष की भांति आज देवरिया जनपद के अंतर्गत मां जलपा देवी की पावन भूमि की पीछे से बह रही गंडक नदी के पावन गोद में हम चौथी बार यहां भागवत चर्चा का रसपान श्रद्धालुओं को करा रहे हैं। मां कात्यायनी और मां के नौ रूप सदैव भक्तों के साथ और इस धराधाम पर सदैव शक्ति विराट रहती हैं। अगर मैं बात करूं भोलेनाथ भगवान नारायण ब्रह्मा जी की तो ये सभी शक्ति के ही संयोग से है। इस संसार को ललित पालित और ये सभी जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। अपना परिचय बताते हैं। मैं महेंद्र कुमार सिंह समाज से हूँ और रेलवे से कंडक्टर भी हूँ। मैं इससे हर जगह अपने भटनी बाजार में नगर पंचायत में श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ बड़ी हुई है। जलपा माई में जलपा माई के बहुत शक्ति स्थान है और नदी किनारे जो है इनका बहुत बहुत इनका आशीर्वाद इस नगर पंचायत के श्रद्धालुओं का इनका श्रद्धा है। हर पंचवादी का शुरू से लेकर आज तक मैं तो आज पहला दिन आया हूँ। हर साल दिन हर साल में बहुत अच्छा है। पंचकोसी परिक्रमा मार्ग अयोध्या दशरथ कुंड से और मूल वृंदावन वैजयंती आश्रम और यह ठाकुर जी की बड़ी अनंत कृपा है हम सबके ऊपर कि हम अपनी परंपराओं का निर्वहन और भारतीय संस्कृति को साथ में लेकर के चलने का कार्य कर रहे हैं। यह मेरा परम सौभाग्य है भटनी नगर बस्ती की ये सभी व्यापारी बंधुओं का समस्त यहाँ के जितने भी भक्त और जितने भी माताएं बहने हैं इन सबका प्रेम और स्नेह है और ठाकुर जी की अनंत कृपा के साथ साथ माँ जगत जननी जलपा मैया का भी बड़ी मेरे ऊपर कृपा है कि हर वर्ष यहाँ मुझे यह समिति आमंत्रित करती है। इसके पहले और कभी देवरिया जनपद में आपका कथा वाचन हुआ था? जी बिल्कुल। मैं आपसे कहूँ कि ब्रह्मर्षि अमृतस्य पुत्राः देवराहवा बाबा की तपोस्थली भूमि रही यह देवरिया जहाँ बाबा देवराव बाबा ने अपने स्थान को बनाया वहाँ पर भी भागवत जी के पाठ पारायण का हमने वाचन किया है और यह वहीं से पोषित पल्लवित पुष्पित आज वहाँ से वह कल्प वृक्ष की भांति आज देवरिया जनपद के अंतर्गत माँ जलपा देवी के पावन गोद और पीछे से बह रही गंडकी नदी के पावन गोद में हम चौथी बार यहाँ भगवत चर्चा का रसपान श्रद्धालुओं को करा रहे हैं। अच्छा, देवरिया देवों की भूमि है जी। कथावाचक के दौरान किस प्रसाद से जो श्रद्धालु बन रहे हैं सुनने को अनुसरण कर रहे हैं कथा का तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं एक बात कहूँ कि पूर्वांचल की जो मिट्टी है यह मान्यताओं और परंपराओं से युक्त है। भारतवर्ष आल वर्ल्ड में भारतवर्ष ही एक ऐसा देश है जहां हर 200 किलोमीटर पर भाषा चेंज होती है, हर 200 किलोमीटर पर खान पान चेंज होते हैं, लेकिन पूर्व उत्तर में अर्थात जैसे हम गोरक्षनाथ की पावन धरा से जब पूरब की तरफ आते हैं देवरिया मानो सभी परंपराओं और मान्यताओं को लेकर के समेट करके बैठी है। आज मैं कहूँ कि आज के दिवस में यहाँ माता रानी का पूजन का विशेष व्यवस्था और विशेष परंपराओं मान्यताओं के अनुसार यहाँ माताओं ने सबने पूजन करी है। सुबह से ही मैं देख रहा हूँ और 7 बजे तक सबने माता रानी को कढ़ाइयों के माध्यम से सबको माता रानी के शरणों में चढ़ाती रही हैं। तो यह देवभूमि यह सार्थक सिद्ध होती ही है, इसमें कहीं से भी कोई संकोच नहीं। शायद इसे बार बार भी कहना पड़े क्योंकि यह पूर्वांचल की ऐसी माटी है जो मान्यताओं परंपराओं से ओत प्रोत है।
अच्छा लास्ट मेरा सवाल है, आज माँ कात्यायनी का दिन है, क्या कुछ कहना चाहेंगे लास्ट में बाबा जी? देखिए माँ शक्ति की उपासना हम सभी करते हैं, शक्ति के बिना जीवन अधूरा है। शिव शिवा जब हैं जब उनके साथ शक्ति का समायोजन होता है। भगवान नारायण श्री युक्त जब होते हैं जब उनके साथ शक्ति का समायोजन होता है। राधा माधव की छवि भी कुछ यही प्रदर्शित करती है कि कृष्ण कृष्ण जब हैं जब उनके साथ राधा जी का समायोजन है। तो माँ तो सदैव साथ में रखती है, बल है लेकिन बलहीन व्यक्ति है। अगर यदि शक्ति का समायोजन नहीं है तो व्यक्ति बलहीन हो जाता है, श्रीहीन हो जाता है। तो माँ कात्यायनी और माँ के नौ रूप सदैव भक्तों के साथ और इस धराधाम पर सदैव वह शक्ति विराजती रहती है। अगर यदि मैं बात करूँ बाबा भोलेनाथ भगवान नारायण ब्रह्मा जी, तो ये सभी शक्ति के ही संयोजन से इस संसार को लालित पालित और प्रलय के तरफ लेकर के जाते हैं। शक्ति का जीवन में बहुत महत्व है।